करेंगे आज मेमोरी के बारे में कि मेमोरी के टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। सबसे पहले बात करेंगे मेमोरी, मेमोरी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि मेमोरी जो हमारा रैम, रोम, डायनेमिक, स्टैटिक, कैच मेमोरी सब किस प्रकार टाइप और कंस्ट्रक्शन बन किस तरह से बनाया गया है, इस मेमोरी को देखेंगे। मेमोरी में हमारा एक्चुअली क्या होता है, डाटा होता है, उसमें स्टोर किया जाता है और इनपुट होता है आउटपुट। हमारा डाटा इनपुट आउटपुट को स्टोर किया जाता है मेमोरी में। इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। मेमोरी में क्या क्या हम कर सकते हैं, मेमोरी है जो डाटा, इसमें डाटा को स्टोर किया जा सकता है। डाटा हो सकता है इसमें स्टोर को संग्रहित कर सकते हैं, स्टोर लिखते हैं। स्टोर होता है ठीक नहीं, संग्रहित कर सकते हैं, अनुदेश को इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन ये डाटा स्टोर अनुदेश इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, अस्थाई या अस्थाई रूप से इसको स्टोर किया जा सकता है। क्या करते हैं, अस्थाई या अस्थाई अस्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। मेमोरी जो हमारा है मकसद की मेमोरी में इंस्ट्रक्शन डाटा को स्टोर किया जा सकता है, मेमोरी में हमारा स्टोर। अब इसको हम देखेंगे डायग्राम, मेमोरी के डायग्राम के बारे में देखें। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी या
डायग्राम, डायग्राम कह सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी या डायग्राम, या फिर इसको कह सकते हैं मेमोरी का वर्गीकरण। देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्राम या फिर मेमोरी का वर्गीकरण, किस तरह से वर्गीकरण किया गया है इसको बारे में पूरा विस्तार से देखते हैं। मेमोरी का वर्गीकरण सबसे पहला बात हम लोग बात करेंगे मेमोरी का वर्गीकरण, आपको टू टाइप ऑफ मेमोरी दो प्रकार से बांटता है मेनली, मेनली दो टाइप से बांटता है, दे आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, लेकिन हम लोग वर्गीकरण करते हैं उसको विस्तार से देखते हैं। पहला, दूसरा, पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कह सकते हैं और सेकेंडरी मेमोरी तो मेमोरी को ऑक्सिलरी या ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। कहते हैं। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं।
दूसरा हमारा है जो है सेकेंडरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी हमारा जो होता है होता हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। अच्छा, सेकेंडरी मेमोरी का ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब एक सहायक मेमोरी इसको कह सकते हैं। अच्छा, जो हमारा टाइप हुआ दो टाइप का हो गया, तो अब बात करेंगे रैम के बारे में बात करेंगे, रैम के बारे में बात करेंगे और रोम के बारे में बात करेंगे। रैम रोम हमारा जो होता है, रैम के बारे में बात करेंगे, रोम के बारे में बात करेंगे, सीडी रोम के बारे में बात करेंगे, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। अच्छा, दो टाइप के। अब हम प्राइमरी मेमोरी की जो बात करेंगे, प्राइमरी मेमोरी तीन टाइप के होता है हमारा, होता है अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी और कैच मेमोरी। सबसे पहले बात करेंगे अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी कैच मेमोरी। अस्थाई मेमोरी तीन टाइप की मेमोरी हमारा हो गया। अच्छा, अब हमारा जो होता है अस्थाई मेमोरी जो होता है से नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है और एक वोलेटाइल मेमोरी होता है। वोलेटाइल मेमोरी नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल मेमोरी के मतलब अस्थाई रूप से जो होता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। तो कहे कि मतलब कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है वो हमारा लाइट पावर कट गया तो वो आपको बैकअप बना के रखेगा, और जो आपको पावर कटला के बाद रिपीट मतलब खत्म पूरा हो गया वो अस्थाई मेमोरी हो गया, मैंने फिर से लोड किया जाए तो उसको अस्थाई मेमोरी कह सकते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं, और दूसरा जो हमारा हो गया वोलेटाइल मेमोरी, इसको कैश को कैसे बोल सकते हैं।
अस्थायी मेमोरी जो हो गया नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और नॉन वोलेटाइल मेमोरी मेमोरी है हमारा जो पावर कट गया तो फिर से रीलोड ले लेगा, अस्थायी मेमोरी जो पावर कटा कहानी खत्म, और कैश मेमोरी जो हमारा है कैश मेमोरी के बारे में अलग से हम लोग बात करेंगे कैश मेमोरी के बारे में। अच्छा सहायक मेमोरी के बारे में जो सेकेंडरी मेमोरी है ओकर हम बात करते हैं हम लोग, जैसे सिक्वेंटियल हो गया डायरेक्ट हो गया, दो टाइप में बांटते हैं सिक्वेंटियल और एक डायरेक्ट। सिक्वेंटियल हो गया एक हो गया डायरेक्ट। अच्छा सिक्वेंटियल एक डायरेक्ट हो गया और सिक्वेंटियल हमारा हो गया एक डायरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में बात करेंगे नॉन वोलेटाइल, उसके बाद कैच मेमोरी के बारे में बात करेंगे। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को लेते हैं यहाँ से हम, दो हो गया हमारे लेंगे ईपी रूम, इस तरह से बात करेंगे रूम डबल ई पी रूम, सॉरी जो हमारा रूम के बारे में रूम के बारे में, यह हमारा स्थाई है जो रैम कहते हैं, स्थाई हो गया उसको रैम के बारे में, तो ये हमारा हो गया इस तरह से कैच हटाइए, इस तरह से बात करेंगे हमारा जो प्राइमरी मेमोरी जो हमारा है प्राइमरी मेन मेमोरी कह सकते हैं अस्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी में नॉन वोलेटाइल मेमोरी टाइल है उसको रूम। अच्छा रूम हो गया एक दो तीन ईपी, इसको पी कर देते हैं हम लोग पी रूम डबल ही पी रूम, इस तरह से हमारा वोलेटाइल मेमोरी रूम ई पी रूम ई पी रूम ई डबल पी रूम रीड होता है ओनली मेमोरी पी से प्रोग्रामर एसी इरेजेबल होता है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल जो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट में डीप में जब पढ़ेंगे तब। आगे डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के बाद करते हैं। अब जो हमारा कैच ये तो हमारा खत्म हो गया, अब कैच के बारे में बात करेंगे। कैच है तो कैच को हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। इसको नेक्स्ट में बात करेंगे, अभी बात करेंगे रैम के बारे में। तीसरा जो हमारा है रैम, रैम एक होता है
कितना होता है एस एस रिंग, डी से बोल सकते हैं डायनामिक रिंग, एक्स से स्टैटिक रिंग। स्टैटिक दूर हो गया, डायनेमिक स्टैटिक, डायनेमिक है स्टैटिक, तो हम बात करेंगे डीप में इसको, डायनेमिक क्या होता है स्टैटिक क्या होता है। हम बात करेंगे सीधे सिक्वेंटियल, सिक्वेंटियल क्या है और डायरेक्ट क्या है उसको बारे में बात करेंगे, सिक्वेंटियल डायरेक्ट के बारे में। सिक्वेंटियल जो हमारा होता है, सिक्वेंटियल जो मेमोरी होता है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप को हम सिक्वेंटियल कह सकते हैं। टेप जो होता है सिक्वेंटियल होता है, हम लोग मैग्नेटिक टेप होता है जो हमारा सिक्वेंटियल है। अब डायरेक्ट में बात करेंगे, डायरेक्ट में क्या होता है कि आपको डायरेक्ट में जो होता है वो सीडी रोम के बारे में बात करेंगे कि डायरेक्ट में क्या हमारा होता है। नीचे चलते हैं, बात करते हैं डायरेक्ट, इसको हटाइए, इसको डायरेक्ट कहीं ना उठाइए, तीन भाग में इसको इसको क्रस करते हैं। देयर आर थ्री टाइप ऑफ डायरेक्ट, तीन टाइप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट में हम लोग बात करेंगे एक होता है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पहले बात कर रहे थे, और होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क होता है और ऑप्टिकल डिस्क होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस होता है। तीन चीज के बारे में बात करेंगे, पहला बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क, सिक्वेंटियल होता है मैग्नेटिक टेप, याद करना है सिक्वेंटियल जो बात कर रहे थे मैग्नेटिक टेप होता है, और हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क एक होता है मैग्नेटिक टेप, दूसरा बात करें ऑप्टिकल डिस्क, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोरेज डिवाइस।
डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस, तीन हो गया हमारा, डायरेक्ट जो होता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। सिक्वेंटियर था उसे मैग्नेटिक टेप था। अब जो हम बात करेंगे ई में होता है मैग्नेटिक डिस्क में, हम तो दो तरह से यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं और फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं। फ्लॉपी डिस्क यूज करते हैं, ये हमारा हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, दो तरह से यूज करते हैं, ये हमारा दूसरा हो गया। मैग्नेटिक डिस्क में आपको फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं, हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, सॉरी ऑप्टिकल डिस्क जो हमारा है, ऑप्टिकल होता है सीडी रोम, सीडी, सीडी राइटर, इस तरह से यूज करते हैं ऑप्टिकल। सीडी राइटर मिलता है डी, हार्ड ड्राइव मिलता है, इस तरह से मिलते हैं। अब वो हम लोग स्टोरेज जो बात करते हैं, यह है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, स्टोर कहाँ कर सकते हैं, पेन ड्राइव में यूज करेंगे, पेन ड्राइव में यूज करेंगे, जो बाहर से मेमोरी लगाया जाता है वो हमारा स्टोरेज। जैसे मान लिया जाता है कि पेन ड्राइव हो गया अस्थायी रूप से, ये हमारा हो गया एक्सटर्नल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा होता है पेन ड्राइव, पेन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। चलते हैं और इसको डीप में बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम लोग बात करेंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ देखेंगे इसमें, पार्ट बाय पार्ट, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे डीप में। डीप में कहने का मतलब को विस्तार से देखेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।